हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल धुन कीर्ति की। और मैं हूँ कीर्ति नरवाल हुड्डा। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो अभी सुबह के 8 बजे हैं और बारिश होने की वजह से आज मौसम भी बिल्कुल जैसे बारिश के बाद होता है ना, वैसा हो रहा है क्लियर। और मैं ऐसे ही बाहर बैठ के मौसम का आनंद लेते हुए अंगूर खा रही हूँ। और आज बहुत ही स्पेशल डे है, लेट मी फिनिश, स्पेशल डे है और मैं जाऊंगी वहाँ घर पे। और स्पेशल डे ये है कि जो मेरी छोटी बहन है करिश्मा, उसको आज उसका रिश्ता जो है हमने फाइनल कर दिया है। तो वो लड़के वाले घर पे आएंगे और जो रस्म होती है, मतलब फाइनल रोका टाइप, वो करके जाएंगे। तो मैं बहुत एक्साइटेड हूँ कि मतलब एक्साइटेड भी हूँ कि अच्छी चीज़ हो रही है उसकी लाइफ की, इतनी बड़ी चीज़ हो रही है, खुशी है। और थोड़ा थोड़ा सा ऐसे अंदर नर्वसनेस और थोड़ा ऐसे मन वैसा हो रहा है कि वो भी चली जाएगी शादी करके, बट इट्स ओके, तो होना ही है। तो मैं भी मतलब अभी जल्दी से तैयार हो गया, जल्दी जाऊंगी वहाँ पे, क्योंकि मम्मी ने कहा था जल्दी आ जाना, थोड़ी बहुत तैयारी वगैरह जो करवानी उसमें हेल्प हो जाएगी। तो वो आएंगे दिन में 12-1 बजे के आसपास और मैं चली जाती हूँ अभी नहा धो के जल्दी से रेडी होके। तो अभी रेडी होती हूँ, उसके बाद मिलते हैं। तो मैं हो गई रेडी, अब चलते हैं। सचिन मेरे को छोड़ाते हैं और मैंने डाला है अपना वेलवेट वाला सूट, यही अब मतलब सर्दियों में ही डाल सकते हैं, तो मैंने सोचा यही डाल लेते हैं। ये देखो आई एम रेडी, और बस दो ही कड़े डाल लिए इस तरह के। तो रेडी हो गई हूँ, अब चलते हैं। चल पड़े हम सचिन, मैंने बता दिया हम कहाँ जा रहे हैं करिश्मा के स्पेशल डे को और स्पेशल बनाने के लिए। मैं पहुँच रही हूँ। केक ले चल लेने। अभी हम जा रहे हैं पहले केक लेके, मतलब केक लेने जा रहे हैं। और ये आइडिया सचिन ने दिया कि केक लेके जाओ करिश्मा को बिना बताए, और जब सब फाइनल हो जाए तो लास्ट में केक कट करो तो अच्छा भी लगेगा। जब मेरा हुआ था ना रिश्ता, तब तो मेरा बर्थडे वाले दिन सचिन और आए थे और ये केक लेके ही आए थे, उस दिन मेरा बर्थडे था। ऐसा तो कुछ नहीं है, बट हम कॉन्ग्रेचुलेट तो कर ही सकते हैं उनको केक कट करवा के। तो थैंक यू, गुड आइडिया। तो पहले केक लेके चलते हैं। करिश्मा लग रही है खाना खाने और मम्मी बना रही है खाना। मैं आ भी गई तैयार हो गई, तुम तैयार भी नहीं हुए हो। रेडी? एक तो तेरा ये सूट है, है? कैसा? अच्छा लग रहा है, कलर भी अच्छा है, लाइट पिंक सा। चल दूसरा और ट्राई करके दिखा, फिर बताते हैं कौन सा डालना है। अच्छा एक ये है ऑफ वाइट, है ना? हाँ ये भी अच्छा लग रहा है, इसमें थोड़ा टीचर वाला लुक आ रहा है। चलो कॉन्ग्रेचुलेशंस। ड्रेस चेंज आ गई अपने घर के अवतार। अरे ये फ्रूट्स जो कटे हुए बचे हुए थे, टूट पड़ो ही बिन पे। ये चीचे भाई। मम्मी ये बताओ, आज आपकी बेटी का रिश्ता हो गया, आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग गया भाई। खुश हो आप? हाँ।
अब यू नहीं लग रहा अकेले हो जाऊंगे नानी तो अकेला का था तो फिर एक साल पाछ होना है अकेला तो ठीक दोनों बेटियों का शादी हो जाएगी परिवार ठीक लागत था पुनः बताना में और आगे इसकी किस्मत ठीक और आपको बाबूजी मेरे को बढ़िया लगा क्योंकि ये टाइम से जो रिश्ता हो जाए वो बढ़िया रहा है अच्छा होता है समय पर जो काम हो जाए उससे बढ़िया और क्या बात हो सकती है सही है अरे ये बैठी तू भी खुश है बोलो दादी हाँ दादी नू पूछू तेरी पोती का रिश्ता हो गया खुश है तू के बात बहुत बड़ी है मैनू पूछू मतलब नू है कि चली जाएगी नू नहीं लगता फिर घर खाली हो जाएगा जी शायद क्या अच्छा सही लग गया छोरा सही जोड़ी है मन तो सारा बढ़िया काम लग गया उनका ससुर की बोल में भी जाती थी मैं और ससुर की मार बेचैन थी कटी सही इतना पढ़े लिखा कर मार वाला को भी था चंदो को मिलेगी कटी मैं तो जब आ जाऊंगी जब तू कहेगी आड़े हूँ मैं तो अभी हम आए हैं पार्क में घूमने मैं मम्मी करिश्मा और सचिन और अब हमने सोचा है कि पहले हम कोई गार्डन देखते हैं जो करिश्मा की शादी के लिए हमें बुक करना है तो वो देख के आते हैं तो पहले अब वो ही देखने जा रहे हैं रोज शाम न चाल पड़ा करो मैं जैसे 7 बजे आऊँ तो 7 बजे बाद से रोज चल रहे हाँ तो ये गार्डन वगैरह तो देख ही सकते हैं उस टाइम दिन मैं भी तमने भी एक दो दिन सोच रही थी द क्राउन खाना चेक कर रहे कैसा लगा अच्छा है अरे मम्मी बैठी मम्मी को देखो चिल लग रहा ठीक लग रहा या चास की चीज में होते हैं क्या कर रहा हूं एक गार्डन तो देखा है आप देख रहे हैं दूसरा गार्डन यहाँ पे आए हुए हैं ये है नूर गार्डन नहीं सॉरी कौन सा है करिश्मा ये गार्डन द पिनेकल डेकोरेशन बढ़िया है नू जो आवे एंट्री है ना ये चीज अच्छी है स्पेशियस तो है तो आ गई हूँ मैं घर पे और आज बहुत अच्छा रहा सब कुछ करिश्मा का जो है रिश्ता हो गया पक्का और अब जल्दी शादी हो जाएगी मार्च में देखते हैं करते हैं शादी और बस अब शादी की तैयारियों में टाइम निकलेगा फिर से वही जैसे मेरी शादी के टाइम शॉपिंग वगैरह की थी अब फिर वही दोबारा से वही प्रोसेस स्टार्ट मज़ा आता है और शॉपिंग करने में तो मुझे बहुत मज़ा आता है तो वो सारी चीज़ें तैयारियाँ वगैरह करेंगे उसमें टाइम निकल जाएगा और फिर होगी शादी तो करते हैं इंजॉय और आपको भी सारे व्लॉग दिखाती रहूँगी क्या कुछ हो रहा है तो आगे आगे देखते रहना तो ये था आज का व्लॉग आई होप आपको अच्छा लगा होगा हम गार्डन वगैरह देख के आए हैं एक दो जगह विजिट किया बट
अभी कुछ वैसा पसंद नहीं आया जैसा हमें चाहिए, तो और देखते हैं। और तब तक आप इस व्लॉग को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा लगा। और नेक्स्ट व्लॉग में आपको अपडेट मिलती रहेगी टाइम टू टाइम, सो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, टिल देन बाय।